नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ मैथ का डिफरेंशिएशन का रिपीटेड क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 11 से देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक देख लेते थे, आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पहले उस वीडियो को जाकर देखिए, तब एक से आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा। इसमें करें कि इफ़ वाई इक्वल टू हम लोग दिया गया 3e2x प्लस 2e3x देन प्रूव दैट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 dy/dx प्लस 6y इक्वल टू 0। तो देखिए y का वैल्यू हम लोग इतना दिया गया, तो प्रूफ करना है कि इसका रिजल्ट किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी कि इसको हम क्या करना, दो बार डेरिवेटिव करना है। यहाँ पे माइनस 5 dy/dx, यहाँ पे क्या है, dy/dx है यहाँ पे, इसका मतलब तो एक बार डिफ्रेंशिएट करना है, उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 6 times y है, तो 6 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, सारा को सॉल्व कर लेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे गिवन, तो y इक्वल टू हम लोग दिया गया 3e2x प्लस 2e3x। अब यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट क्या हो जाएगा बताइए, ये d/dx ऑफ LHS यानी कि y इक्वल टू ये d/dx ऑफ RHS यानी कि 3e2x प्लस 2e3x। अब इससे आगे दोस्तों देखिए, तो d से y को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये dy/dx। देखिए पहले क्या होगा, dy/dx ऑफ 3e2x, जिसमें 3 तो कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए। अब यहाँ पे क्या होगा, e2x का होगा, तो देखिए एक्सपोनेंट का तो एडिटिव होता है, e2x का तो e2x हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए उसके बाद क्या होगा, 2x का, तो 2x का क्या डिफरेंशिएशन हो जाएगा, 2, क्योंकि देखिए 2x में 2 तो कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा, dy/dx क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दोस्तों फिर समझिए, देखिए यहाँ पे 3e2x था तो 3 कांस्टेंट था, तो बाहर ले लिए। इसका देखिए यहाँ पे e2 देखिए 2x है, तो हम लोग दोस्तों जानते हैं कि dy/dx ऑफ e2x क्या होता है, e2x होता है, लेकिन यहाँ पर एक्स के जगह पर कितना है, 2x है। सबसे पहले किसका होगा, एक्सपोनेंट का, तो एक्सपोनेंट का एज इट इज e2x इंटू, अब 2x का, तो 2x का कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि 2x में क्या है, 2 तो कांस्टेंट है, तो बाहर आ गया, dy/dx क्या होता है, 1 होता है, प्लस ये 2 इंटू, अब ठीक इस तरह से उसको डिफ्रेंशिएट करें तो ये हो जाएगा e3x इंटू 3। अब इससे आगे दोस्तों देखिए, तो हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, देखिए 3 × 2 हो जाएगा 6, e2x प्लस, यहाँ देखिए 2 × 3 हो गया 6, e3x। ये दोस्तों हम लोग वैल्यू किसका मिल गया, dy/dx का, चाहिएगा आप लोग यहाँ 6 कॉमन भी ले सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ये हो जाएगा इक्वेशन 1। और इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तब तो हम लोग d2y/dx2 मिलेगा। देखिए यहाँ पे अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, देखिए ये हो जाएगा d/dx ऑफ ये dy/dx इक्वल टू d/dx ऑफ 6e2x प्लस 6e3x। देखिए यहाँ पे dy/dx ऑफ LHS ये इक्वल टू dy/dx ऑफ RHS। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, देखिए तो देखिए dy/dx को एक और डिफ्रेंशिएट करें तो हो जाएगा हम लोगों को d2y/dx2 इक्वल टू, देखिए अब इसका हम लोगों को डिफ्रेंशिएट करना है, तो 6 क्या है, कॉन्स्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा, इंटू, अब देखिए e2x का डिफरेंशिएट करें तो एक्सपोनेंट का था एज इट इज, इंटू, अब किसका होगा, 2x का, तो 2x का हो जाएगा 2 प्लस 6, अब इसका डिफरेंशिएट है, 6 तो बाहर आ गया, कांस्टेंट है, e3x, तो एक्सपोनेंट का पहले करेंगे तो एज इट इज, इंटू 3x का हो जाएगा 3। नेक्स्ट स्टेप देखिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा d2y/dx2 इक्वल टू, देखिए 6 × 2 हो जाएगा 12, e2x देखिए 6 और इंटू 2 12 इंटू e2x प्लस, अब यहाँ पे देखिए 6 × 3 हो जाएगा 18 e3x। ये फिर दोस्तों आ गया हम लोगों को d2y/dx2 का, इसको इक्वेशन 2 लेट कर लीजिए। अब देखिए जो हम लोग प्रूफ करना है उसको लिखिए, नाउ देखिए d2y/dx2 माइनस 5 dy/dx प्लस 6y इक्वल टू 0। हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे LHS से, तो लिखिए यहाँ पे LHS, LHS क्या है, d2y/dx2 माइनस 5 dy/dx प्लस 6 और ये हो जाएगा y। वैल्यू पुट कीजिए, देखिए d2y/dx2
तो क्या है इक्वेशन टू, तो लिखिए यहाँ पे 12e^2x + 18e^3x माइनस, देखिए माइनस के बाद यहाँ पे 5 है तो नेगेटिव साइन आएगा, यहाँ ब्रैकेट लगाइए, ये dy/dx, तो dy/dx का वैल्यू क्या है इक्वेशन वन, देखिए इक्वेशन वन में हम लोग क्या है यहाँ पे 6e^2x + 6e^3, इसको लिखिए यहाँ पे, देखिए हो जाएगा 6e^2x + 6e^3x प्लस यहाँ 6y है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे स्पेस नहीं है, यहाँ पर लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे है 6, देखिए 6y है तो 6 times y का वैल्यू कितना है, तो y का वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में जो दिया गया है 3e^2x + 2e^3, इसको कॉपी कर दीजिए यहाँ से, ये हो जाएगा हम लोगों को 3e^2x + 2e^3x। अब इसको सॉल्व कीजिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 12e^2x + 18e^3x माइनस हम मल्टीप्लाई तो हो जाएगा माइनस 5 × 6 हो जाएगा 30e^2x, ये माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 5 × 6 हो जाएगा 30e^3x प्लस 6, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 6 × 3 = 18e^2x और ये हो जाएगा प्लस 6 × 2 हो जाएगा 12e^3x। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए लाइक टर्म्स को हम लोग क्या करें यहाँ पे कंबाइंड करेंगे, देखिए यहाँ पे 12e^2x और यहाँ पे देखिए 18e^2x, तो देखिए 12 और प्लस 18 कितना हो जाएगा बताए 30e^2x हो जाएगा, तो यहाँ लिख लीजिए 30e^2x। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए यह है -30e^2x, इसको लिख लीजिए -30e^2x, लाइक टर्म को एक साथ लिखिए, देखिए यहाँ +12e^2x था ना यहाँ पे, और यहाँ पे 18e^2x, इस दोनों को हम साथ में ऐड के दिया होगा 30e^2x हो जाएगा, ये जगह -30e^2x, और यहाँ पे देखिए 18e^3x है और यहाँ पे है प्लस में 12e^3x है, तो यहाँ पर लिख लीजिए ये जगह +30e^3x और यहाँ पर देखिए माइनस यह 30e^3x। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि -30e^2x या +30e^2x यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 30e^2x पॉजिटिव और ये 30e^3x नेगेटिव, ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए, ये हो गया 0 और यहाँ पे लिख लीजिए RHS, ये हो गया प्रूव्ड। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों कमेंट करके जो बताइए कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।